चिड़िया चोंच भर ले गई, घट्यो न नदी अननी, धर्म कर्या धन ना घटो, कह गए दास कबीर। गौ माता पुकार कर रही है। दीदी एक नई वंदना सुना रहा हूं। आवो कलयुग में फिर से कन्हैया, आवो कलयुग में फिर से कन्हैया, हो तेरी दुख पा रही है गो मैया। आवो कलयुग में फिर से कन्हैया, आवो कलयुग में फिर से कन्हैया, तेरी दुख पा रही है गो मैया। वो जमाना भी था क्या जमाना, हर कोई था गो माँ का दीवाना, हर कोई था गो माँ का दीवाना, हर कोई था गो माँ का दीवाना। दूध माखन की बहती थी नदियाँ, दूध माखन की बहती थी नदियाँ, तेरी दुख पा रही है। आवो कलयुग में फिर से कन्हैया, तेरी दुख पा रही है गो मैया। तो वो जमाना भी था क्या जमाना, हर कोई था गौ माँ का दीवाना, और दूध माखन की बहती थी नदियां, तेरी दुख पा रही है गौ मैया। अगर भजन गावाऊं गौ माता को पेट भर तो शायद गौशाला वाला एक एक कलाकार ने सेट कर लेता कि थे भजन गाया जाओ और माँ की गायों को पेट भरा जाए। भजन गाने से तो पेट भरता नहीं है, कुछ पुण्य करे तब गौ माता के लिए थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप सबकी इच्छा, वैसे इस दरबार को देखकर मुझे ऐसा पक्का विश्वास है कि यहाँ गौ भक्त ज्यादा है, इसलिए इतना अच्छा दरबार है। एक बार ताली बजा दे जोरदार। देखिए हर तरह के भक्त होते हैं, पितृ भक्त, मातृ भक्त, गौ भक्त, और इस धरती के भी भक्त होते हैं, देश के भी भक्त होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा भक्त वही है जो नहीं बोलने वाले जीव का भक्त है। जो बोल नहीं सकता, अपनी पीड़ा बता नहीं सकता, उस जीव का भक्त है। कल क्या हुआ भाई साहब, एक बहुत बड़ी गलती मेरे से हुई। मैं अपनी गाड़ी पीछे ले रहा था, एक कुत्ते का मुंह दब गया। अब पता नहीं चला वो सो रहा था या काफी देर से ऐसे ही बैठा था, उसका मुंह दब गया और उसके मुंह से खून आ गया। तो घर से अंदर से बच्चे, वो चिल्लाया जोरदार, तो बच्चे भी निकल के आए। मैंने उतर के देखा, मैंने कहा जिंदगी में पहली बार किसी के आंसू नहीं देख सकते तो किसी का खून कैसे देख सकते। आपको सही बता रहा हूं, मैं एक दिन मुझे रोटी नहीं भाई पूरे दिन में। आज सुबह वो कुत्ता, वो छोटा सा पिल्ला ही था, घर पे आया, आता रोजाना ही था रोटी खाने, तो बच्चा भाग करके गया, पापा वो आ गया कल वाला। मैंने कहा उसका खून कैसा है, बोला खून नहीं है। तो हमने टुकड़े टुकड़े करके उसको बिठा करके खाना खिलाया, तब जाकर आत्मा को शांति मिली। ये दया हो। विद्वान कहते हैं भाई साहब कि अगर लाभ चाहते हो, जिंदगी में लाभ चाहते हो तो इसका उल्टा कर दो, भला करना शुरू कर दो। लाभ अपने आप ही हो जाएगा जब लाभ उल्टा कर देंगे भला करना। और यह चाहते हो कि पूरी जिंदगी हमें कोई याद करे, बरसों तक याद करे, तो याद का उल्टा कर दो, किसी पर दया करना शुरू कर दो। याद का उल्टा दया ही होता है, दया करना शुरू कर दो, जाओ बरसों तक अपन याद रहेंगे। ये मन में भाव होना चाहिए। इसलिए आवो कलयुग में फिर से कन्हैया, आवो कलयुग में फिर से कन्हैया, तेरी दुख पा रखी है गो मैया, तेरी दुख पा रखी है गो मैया। बड़ा दुख तब होता है जब अखबारों में गौ माता को आवारा पशु लिखा जाता है, जिसको एक तरफ हम राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, वहां एक तरफ पढ़े लिखे पत्रकार उस गौ माता के लिए शब्द लिखते हैं आवारा पशु। बताओ कहाँ का न्याय है? जिस गौ माता के लिए गौ माँ शब्द भी काम में आ सकता है, लेकिन उसके लिए आवारा पशु तो लिखा। आज गौ मां पशु है आवारा, भूखी प्यासी फिरे बेसहारा। ना चरागा है, ना चरागा है, ना है चरहिया, ना चरागा है, ना है चरहिया, तेरी दुख पा रखी है भगवान। खुद जब घर से बाहर निकलते थे तो पहले गौ माता की पूजा करते थे और गौ माता का आशीर्वाद लेकर निकलते थे। आज हम निकलते हैं घर से बाहर तो लठ लेकर निकलते हैं, तो भगवान के ही रूप, लेकिन आज हम लठ लेकर निकलते। बाहर कोई गौ माता खड़ी है तो उसको तुरंत भगाया जाता, भगाओ इसको यहां से। लेकिन भगवान तो भगवान ठहरे, वो तो तिलक लगाकर माँ का आशीर्वाद लेकर फिर निकलते थे। इसलिए आज हर आंख में तुझसे नफरत, वो कहाँ कृष्ण तुझसे मोहब्बत। यूं न मालूनी तड़पा कन्हैया, यूं न मालूनी तड़पा कन्हैया, तेरी दुख पा रही है गो मैया। आओ कलयुग में, आओ कलयुग में फिर से कन्हैया, आओ कलयुग में फिर से कन्हैया, तेरी दुख पा रही है गो मैया। श्री गौ मात की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो बाड़ी माँ दरबार की।